बस 13,360 किलोमीटर का चला हुआ है जी। और भैया अगर प्राइस के बारे में बात करो तो फाइनल प्राइस, फाइनल प्राइस 1,12,000 है, 1,12,000। गाइस ये गाड़ी मैंने आपको पटना में भी दिखाया था जस्ट इसे पिछले वाले वीडियो में। तो गाइस अब हम आपके नेक्स्ट गाड़ी की तरफ, भैया इसके बारे में बताइए कौन सा गाड़ी। ये होंडा सिविया 150 सीसी है। और भैया कब का मॉडल है ये? ये 2013 मॉडल है, 2013 का मॉडल है। और भैया किलोमीटर की बात करो तो कितने चले गए? सर ये सिर्फ 39,625 किलोमीटर चला है। और भैया इसका फाइनल प्राइस क्या है? सर इसका फाइनल प्राइस है 56,500, सिर्फ 56,500। और गाइस मैं इसके लुक के बारे में दिखा दूं। तो गाइस हम आ चुके हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ, भैया इसके बारे में बताइए कौन सा गाड़ी। ये बजाज एवेंजर है 220 क्रूज। और भैया कब का मॉडल है? ये 2017 का मॉडल है, 2017 मॉडल है। और भैया किलोमीटर की बात करें तो कितनी चली हुई है? ये 26,878 किलोमीटर चली है। और भैया इसका अगर फाइनल प्राइस मैं पूछूं तो कितनी है? सर इसका फाइनल प्राइस है 63,500। और गाइस मैं इसको लुक के बारे में दिखा दूँ आपको। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ, भैया इसके बारे में बताइए कौन सा गाड़ी है? सर ये होंडा नवी है। और भैया ये कितनी चली हुई है गाड़ी? सर ये चली हुई है 15,870 किलोमीटर। कब का मॉडल है भैया? 2018 का। और गाइस आप देख सकते हो जब ये लॉन्च हुई थी तो ये अपने लुक के लिए जानी जाती थी। इसमें आपको स्कूटी और बाइक दोनों का मजा मिलने वाला है। और भैया इसका फाइनल प्राइस क्या रखे हुआ है? 34,000, सिर्फ 34,000। तो भैया इसके बारे में बताइए कौन सा गाड़ी है? ये प्लेजर है स्कूटी। ठीक है भैया जी। और कितनी चली हुई है गाड़ी? सर ये चली हुई है 15,553 किलोमीटर। और कब का मॉडल है भैया ये? ये 2016 का मॉडल है। और भैया इसका फाइनल प्राइस के बारे में अगर पूछूँ तो कितनी है? सर इसकी फाइनल प्राइस 36,500। गाड़ी ये सिर्फ आपको 36,500 में मिलने वाला है। और भैया अगर माइलेज के बारे में पूछो तो ये कितनी दे देगी? सर प्लेजर स्कूटी है 100 सीसी में, तो इसकी माइलेज वही 40 से 45 तक आती है। गाइज ये शायद इकलौती ऐसी स्कूटी है, आप लोग भी जानते ही होंगे, तो माइलेज काफ़ी ज़्यादा देती है अलग स्कूटी से। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ, भैया इसके बारे में बताइए कौन सा गाड़ी है? ये ग्लैमर है 2014 मॉडल। 2014 मॉडल। और भैया किलोमीटर के बारे में पूछो तो कितनी चली हुई है? सर ये 22,000 के आसपास चली हुई है। 22,000 के आसपास। अच्छा भैया ये मीटर यहाँ का टेम्पर्ड तो नहीं है ना? नहीं सर, फुल्ली पैनल मीटर रहता है हमारा। ठीक है भैया। और गाइस आप इसका लुक देख सकते हो। और भैया इसका फाइनल प्राइस क्या होगा? 37,500। गाइस ये आपको सिर्फ 37,500 में मिलने वाला है। और अब चलिए आप आते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ, भैया इसके बारे में बताइए कौन सा गाड़ी है? स्प्लेंडर आई स्मार्ट। स्प्लेंडर आई स्मार्ट। और भैया कब का मॉडल है ये? 2018 का मॉडल है। 2018 मॉडल है। और भैया किलोमीटर कितने चली हुई है? 5,108 किलोमीटर। 60,000? 5,108। सिर्फ 5,108 किलोमीटर गाइस। और भैया इसका फाइनल प्राइस के बारे में पूछूँ तो कितनी है? सर इसकी फाइनल प्राइस 43,000 है। सिर्फ 43,000 में गाड़ी आपको मिलने वाला है। अब आइए आते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ, भैया इसके बारे में बताइए कौन सा गाड़ी है? ये होंडा की एक्टिवा है स्कूटी। गाड़ी ये होंडा की एक्टिवा है, कितना सीसी है भैया? 125 सीसी। और भैया कितनी चली हुई है गाड़ी? 15,870 किलोमीटर चली हुई है। गाड़ी ये सिर्फ 15,000 के अप्रॉक्स चली हुई है। और भैया कब का मॉडल बताया आपने? 2018 मॉडल। और भैया अगर प्राइस के बारे में, फाइनल प्राइस के बारे में पूछो तो कितने है? इसकी फाइनल प्राइस 53,500 है। 53,500। आइए गाइस आप चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ, भैया इसके बारे में बताइए कौन सा गाड़ी? ये यामाहा एफजेड 250 सीसी है। और भैया कब की मॉडल है ये? 2018 की मॉडल है। गाइस ये सिर्फ 2018 की मॉडल है। और गाइस आप इसका कंडीशन देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में, यहाँ का यहाँ आओगे तो आपको नई गाड़ी जैसे लेने में फील आएगी। और भैया इसका प्राइस क्या रखे हुआ? सर इसका प्राइस 92,500 है, जो कि इसकी फाइनल प्राइस आती है 87,500। सिर्फ 87,000 में गाइस आपको ये मिलने वाला है, 87,500 में, जो कि फाइनल रेट है। और आइए आप चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ, तो भैया इसके बारे में बताइए कौन सा गाड़ी है? ये डिस्कवर 100 सीसी बाइक है। और भैया कब का मॉडल है ये? ये 2014 का मॉडल है। 2014 मॉडल है। और भैया किलोमीटर की बात करूँ तो कितनी चली हुई है? सर ये किलोमीटर चली हुई है 17,288 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। और भैया इसका प्राइस क्या रखा हुआ? 34,500 फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस 34,500। और आइए गाइस अब आते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ,
भैया इसके बारे में बताइए कौन सा गाड़ी है। ये है बजाज डिस्कवर 2011 मॉडल, 2011 का मॉडल है गाइस, बजाज का डिस्कवर। और भैया कितनी चली हुई है गाड़ी? सर ये चली हुई 27,909। गाड़ी सिर्फ 27,909 किलोमीटर चली हुई है। और भैया इसका प्राइस क्या रखा हुआ आपने? इसका प्राइस सर 33,500 फाइनल प्राइस है। और भैया इसका माइलेज की बात करूँ तो कितनी दे देगी? डिस्कवर 125 सर, ये भी 40-45 के आसपास माइलेज, 40-45 के आसपास दे देगी। आइए गाइस अब आते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। भैया इसके बारे में डिटेल बताइए। ये है पैशन प्रो 2010 मॉडल, 2010 का मॉडल है पैशन प्रो। और भैया कितनी चली हुई है गाड़ी? सर ये 26,047 किलोमीटर चली हुई है। गाड़ी सिर्फ 26,047 किलोमीटर चली हुई है। और इसकी फाइनल प्राइस 33,500। और गाड़ी जिसका फाइनल प्राइस आपको पड़ने वाला है 33,500 रुपये। आइए अब आते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। भैया इसके बारे में डिटेल बताइए कौन सा गाड़ी है? पल्सर 150cc, 150cc का पल्सर। और 2007 मॉडल है। और भैया कितनी चली हुई है गाड़ी? सर ये चली हुई है 32,000, 32,000 के अप्रॉक्स गाइस चली हुई है। और भैया इसका फाइनल प्राइस क्या होगा? सर ये भी फाइनल प्राइस 33,500, ये भी बस 33,500 में गाड़ी आपको मिलने वाला है, सिर्फ 33,000 जो कि मॉडिफाइड है। वाह, आइए बात है नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। भैया इसके बारे में डिटेल बताइए। ये पल्सर 150cc 2018 मॉडल है, 2018 का मॉडल है। कितना सीसी का भैया? 150cc। और कितनी चली हुई है गाड़ी भैया? सर ये चली हुई है 10,248 किलोमीटर, सिर्फ 10,248 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, बहुत कम चली हुई है। और इसका कलर भी देख सकते हो, ब्लू कलर है। और भैया इसका प्राइस क्या रखा आपने? सर इसका प्राइस फाइनल का 69,500 है, 69,500। भैया ऐसा क्यों, ये सिर्फ 35 में और ये 67 में? सर ये 2007 मॉडल है, मॉडल का फर्क है इसलिए। चलिए आइए गाइस अब आते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। और भैया इसके बारे में डिटेल बताइए। सर ये है एक्सट्रीम हीरो की, ठीक है भैया, कब की मॉडल? 16 मॉडल है, 2016 मॉडल है। और भैया कितनी चली हुई है गाड़ी? ये चली हुई है 22,000 किलोमीटर, 22,000 के अप्रॉक्स गाड़ी चली हुई है। और भैया इसका प्राइस क्या रखा आपने? 49,500, सिर्फ 49,500। भैया ये नेगोशिएबल प्राइस है या फाइनल प्राइस? ये फाइनल प्राइस है, फाइनल प्राइस है। और भैया इसका माइलेज क्या हो जाएगा? 160 है सर, 35 के आसपास माइलेज देता है, 35 अप्रॉक्स माइलेज आपको गाइस मिलने वाला है। आइए आते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। भैया इसके बारे में बताइए कौन सा गाड़ी? एक्सट्रीम है, सीबीजेड एक्सट्रीम हीरो की। और भैया कब का मॉडल है ये? ये 2012 का मॉडल है गाइस, 2012 का मॉडल है। लेकिन आप लुक से गाइस देख रहे होंगे, कहीं भी आपको ऐसा लगेगा ना, जो ये 2012 का मॉडल है काफ़ी बढ़िया कंडीशन में है। और भैया कितनी चली हुई है गाड़ी? 21,375 किलोमीटर गाड़ी ये चली हुई है। और भैया इसका फाइनल प्राइस क्या रखा आपने? 36,500, सिर्फ 36,500। जी हाँ गाइस, ये सिर्फ 36,500 में आपको सीबीजेड आप अपना बना सकते हो। गाइस फाइनली आपको मैं पूरा स्टॉक दिखा चुका हूँ, क्योंकि आप लोग कहते रहते भाई पूरी गाड़ी दिखाओ, पूरी गाड़ी दिखाओ। लो भाई आज मैं आपको पूरा गाड़ी दिखा दिया हूँ। और भैया अगर हमारे व्यूअर्स को अगर वो चाहें और मैं जिस दिन जाऊँ उसी दिन गाड़ी लेके चलाऊँ, तो इनको घर से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं? सर अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आप हम सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और चार फोटो लेकर आएंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड और सिर्फ चार फोटो है ना, और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। और भैया हैंड टू हैंड मिलेगी या फिर उनको वेट करना पड़ेगा? नहीं सर, हमारा काम सिर्फ आधे घंटे के अंदर हो जाता है। सिर्फ आधे घंटे में गाइस आप गाड़ी को अपना बना सकते हो, बस आपको आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और चार फोटो लेके आना। और गाइस एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे दूँ, अगर आपको खरीदनी नहीं है, अगर आपको अपनी गाड़ी बेचनी है तो भी भैया आप उनसे खरीद सकते हो ना भैया। और गाइस आप निश्चिंत रहो, आपको यहाँ जो भी यहाँ के मैकेनिक है वो गाड़ी का जांच करेंगे और आपको उसका पूरा आपको प्योर मतलब उचित दाम आपको मिल जाएगा, है ना भैया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं। और भैया बेचने में क्या क्या प्रोसेस है? सर जैसे बेचने आप आते हैं तो पहले तो अगर उनको रेट मिल जाता है, हमारा वेबसाइट चलता है, फेसबुक पे एड्स चलते हैं, अगर उन पे कोई क्लिक करता है तो उनको सेल योर बाइक का ऑप्शन भी आते हैं। अच्छा। तो आप वहाँ पे अगर सेल योर बाइक पे क्लिक करते हैं तो आप अपना डिटेल्स डालेंगे, उनका रिकॉर्ड हमारे पास आ जाता है। अच्छा। तो इस रिकॉर्ड्स को हम फॉलो करते हैं, अगले दिन उनको रेट चला जाता है उसी बाइक का सिस्टम से निकल। अच्छा। मतलब आपको पहले मतलब मोल भाव करने के लिए उनको यहाँ तक आना नहीं पड़ेगा, वेबसाइट में सब कुछ जी इस तरीके से आप घर बैठे बैठे आप सारा काम कर सकते हो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको काफ़ी पसंद आया होगा। प्लीज़ गाइस आपके लिए मैं इतना मेहनत किया हूँ, इस ब्रांच का पूरे बिहार में आपको ढूंढ के आपको इसका ब्लॉग दिया हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, एक लाइक जरूर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले ब्लॉग में, फिर से कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बने रहे।